सो यस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आ रहा है BPCL की तरफ से, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें डिप्लोमा और BTEC के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पोस्ट होने वाला है, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोस्ट है, लेकिन BPCL से अप्रेंटिसशिप करने का यही फ़ायदा होता है कि इसमें आपको स्टाइपेंड जो है 25,000 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कम टाइम है अप्लाई करने का, तो आप लोग जरूर से इसमें अप्लाई कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आप कब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई रिफाइनरी की तरफ से निकाली गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है। अब यहाँ पर आपको बता दें कौन कौन से ईयर के पास आउट कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा या BTEC कंप्लीट किया 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 या फिर 2023 में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोस्ट निकाली गई, यानी कि GAT, और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी कि DAT की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इन्फो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, फायर एंड सेफ्टी में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, जिसमें टोटल 77 वैकेंसी है। और बात करें अगर इसमें मंथली स्टाइपेंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 25,000 रुपये पर मंथ मंथली स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। और जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा। लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, यानी कि अप्रेंटिसशिप का लोकेशन क्या होगा, तो BPCL मुंबई रिफाइनरी माहुल मुंबई, ये आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन, यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए होता है। इसमें अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है या फिर लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, या फिर आपने BCOM किया है विथ कंप्यूटर नॉलेज, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है, या फिर आपने BSc किया है केमिस्ट्री में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर टोटल 61 वैकेंसी है। इसमें अगर स्टाइपेंड की बात करें, तो लगभग 18,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इसमें भी 1 ईयर है, और जॉब लोकेशन भी सेम होने वाला है, BPCL मुंबई रिफाइनरी आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लिया हमने, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आपके पास ग्रेजुएट हों तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब विथ आपका जो ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ हो वो 6.3 CGPA के साथ कंप्लीट हुआ हो, और जो कैटेगरी 2 है डिप्लोमा वालों के लिए, तो यहाँ पर SC ST और PWD के लिए यहाँ पर 50% मार्क डिप्लोमा में होने चाहिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें, तो यहाँ पर मिनिमम एज 28 साल और मैक्सिमम 27 साल रखा गया है, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1/9/1996 से 1/9/2005 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रूल के अकॉर्डिंग इसमें एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1 ईयर का होने वाला है। अगर आप पहले कहीं अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, आपके पास प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में जो आप मार्क ऑब्टेन किए होंगे, उस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के बेस पर ही होगा, ठीक है। जो इसका इंटरव्यू के बाद इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, उसको भी क्लियर करना होता है। तो आगे की जो प्रोसेस है वो आपके ईमेल पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड होते हैं। अब बात आती है इसमें अप्लाई कैसे करना है। काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूज रहते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जो भी ग्रेजुएट हैं और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MHRD NETS पोर्टल पर, ठीक है। वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसी के बेस पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा, वहाँ पर आप जाकर सर्च करेंगे इस प्रकार से, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई रिफाइनरी, या फिर BPCL मुंबई आप सर्च करेंगे, तो वहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सिंपली वहाँ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही आपका सारा डिटेल फिल होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसमें अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई करने का लास्ट डेट बहुत कम टाइम है, 4 सितंबर, यानी कि आपके पास अभी 4 दिन है अप्लाई करने के लिए,
तो आप लोग आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका कैसे अप्लाई करना है। बाकी अगर आपको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताइए, अप्लाई वीडियो हम आपको बता देंगे। या फिर आप इलेक्ट्रिकल जॉब कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप अपने क्वेरी पूछ सकते हैं।